मालेगांव शहर की एक ऐसी शख्सियत जो दीनी फील्ड में हो, सामाजिक फील्ड हो, मिली फील्ड हो या शहर के कोई भी मसाइल हो, अगर इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो सूफी रमजान इलियासी चिश्ती साहब हमेशा हर काम में साना बसाना आगे आगे रहकर, चाहे फिर वो सियासी हो, समाजी हो, हर काम में जिससे भी कौम का, समाज का, माशरे का फायदा हो वहां पर अपना कीमती वक्त देते हैं। किसी से कभी कोई भी चंदा या डोनेशन नहीं लेते, कभी किसी के पास जाकर अपनी बात नहीं रखते, हमेशा समाज की खिदमत के लिए अपनी नेक कमाई का हिस्सा देकर समाज में एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज देते। इसलिए जिस प्रकार से हम लोगों ने अवार्ड का जो प्रोग्राम रखा था, उस वक्त तो सूफी साहब अजमेर शरीफ ज्यारत के लिए गए हुए थे, क्योंकि अभी उनके पीरो मुर्शिद का उर्स मुबारक 1, 2 और 3 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। इसकी मसरूफियत में भी थे, इस वजह से आ नहीं पाए थे, तो आज वो हमारे अब तक न्यूज चैनल के स्टूडियो पर आज हमने उनको मधु किया है ताकि वो उनका जो इस्तकबाल था वो हम कर सके, और आज उनका इस्तकबाल यहाँ पर हम पूरे अब तक न्यूज चैनल की टीम की तरफ से कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ख्याल असर साहब भी इधर आ जाए और अकबर भाई हम तो थोड़ा सा ले लो। ये आपकी खिदमत का एहसास करते हुए हम आपको ये अवार्ड से नवाज रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। अल्लाह आपको और कामयाबी तरक्की अता फरमाए। मालेगांव शहर में आपसे ऐसी ही खिदमत लेते रहे, आपसे काम लेते रहे, ताकि आज हमने आपको आपकी खिदमत का एतराफ़ किया है, कल पूरा शहर आपकी खिदमत का एतराफ़ करे। अब तक चैनल न्यूज ने जो हमारा जो सत्कार किया है, जो अवार्ड दिया है, उसके लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ देते हैं कि अल्लाह इस चैनल को ता कयामत तक जारी और सारी रखे। जाबिर शाह साहब की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी हयाती में जो भी तकलीफ आने वाली है उसको आसानी में तब्दील फरमा दे अल्लाह। और 1 अक्टूबर को खानकाह चिश्तिया इलियासिया अमनपुरे से एक आलीशान जुलूस व संदल की रवानगी होती है, जो शहर से गश्त करता हुआ आज़ाद नगर, गांधी नगर से आज़ाद नगर, आज़ाद नगर से जामतुल सवालियात सुलेमानी चौक होता हुआ बड़ा कब्रस्तान पहुंचता है। हम अब तक चैनल न्यूज़ को ये दावत देते हैं कि वहाँ पर भी आप हाजिर रहें और हमारे प्रोग्राम का अच्छे तरीके से शूटिंग करें, हम लोगों की जो भी बात रखनी है हम लोगों के सामने आप हमसे पूछें कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं ये प्रोग्राम हमारे पीर मुर्शिद का, तो हम आपको वहाँ बताएंगे। मैं मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो अकीदतमंद लोग हैं, जो दरगाह पर औलिया किराम को मानते हैं, उन लोगों से दरख्वास्त करते हुए यही कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुलूस व संदल में 1 अक्टूबर 15 रबीउल अव्वल बरोज़ एतवार को शिरकत करें और फैज़ान अवलिया से माला माल हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।